दोस्तों, सभी के बचपन में कोई न कोई टीवी सीरियल उनका मन पसंदीदा शो होता है। ऐसे ही आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी टेलीविजन के 10 बेहतरीन और प्रसिद्ध पुराने टीवी शो, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हुए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मालगुडी डेज, यह आर के नारायण कहानियों पर आधारित कुल 39 एपिसोड का सीरियल दूरदर्शन पर आता था, जिसमें एक बच्चा स्वामी दर्शकों का मन पसंद था। विक्रम और बेताल, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने यह सीरियल नहीं देखा हो। भारत के प्राचीन कहानियों पर आधारित इस टीवी सीरियल का उद्देश्य बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनको शिक्षित करना भी था। यह प्रसिद्ध टीवी सीरियल के कुल 26 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। महाभारत, भारत का सबसे चर्चित और लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत पर आधारित है। इसके कुल 94 एपिसोड 2 अक्टूबर 1988 से लेकर 24 जून 1990 के बीच प्रसारित हुए थे। बी.आर. चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया था और इनके पुत्र रवि चोपड़ा ने इसे डायरेक्ट किया था। भारत एक खोज, भारत की 5000 वर्षों की पुरानी कथा पर आधारित यह टीवी सीरियल 53 एपिसोड का सीरियल था। इस सीरियल में भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह 1988 में श्याम बेनेगल द्वारा लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया था। सुरभि, सुरभि टीवी सीरियल दूरदर्शन के शुरुआती दिनों का सबसे चर्चित और लोकप्रिय संस्कृत कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को रेणुका सहाणे और सिद्धार्थ कारक ने होस्ट किया था। यह सीरियल दूरदर्शन पर 1993 से लेकर 2001 तक प्रसारित हुआ था। ब्योमकेश बख्शी, इस सीरियल को बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था। जासूसी घटनाओं पर आधारित यह टीवी सीरियल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था, जिसमें रजत कपूर ने ब्योमकेश बख्शी की प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसके लिए उसको काफी सराहना भी मिली। अदाकार अजीत ने के राणा का और सत्यवती ने सुकन्या कुलकर्णी का किरदार निभाया था। इस सीरियल के 33 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। तहकीकात, रोमांच से भरा यह जासूसी सीरियल विभिन्न अपराधों पर आधारित था। विजय आनंद ने इस सीरियल में सैम डी सिल्वा और सौरभ शुक्ला ने गोपी चंद की प्रमुख भूमिका निभाई है। यह अपने जमाने का ब्योमकेश बख्शी के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध सीरियल रहा है। रामायण, यह पूरे भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध सीरियल था, जिसको रामानंद सागर ने लिखा और डायरेक्ट किया था। यह 78 एपिसोड का सीरियल दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 से लेकर 31 जुलाई 1988 तक प्रत्येक रविवार सुबह 9:30 बजे आता था। परमवीर चक्र, यह भारतीय युद्ध गाथाओं पर आधारित सीरियल उन सैनिकों को समर्पित था जिनको उनकी अद्भुत बहादुरी के लिए भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया था। इसे चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया, अमरिंदर पाल ने आवाज दी और संगीत दिया प्यारे मोहन ने। चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित यह प्रसिद्ध धारावाहिक भी भारत का एक प्रसिद्ध टीवी सीरियल था। इसके मुख्य पात्र क्रूर सिंह और जाबाज है। इसे नीरज गुलेरी ने प्रोड्यूस किया और सुनील अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।